कलम पेन से स्केच किया और ये दीदी आईलाइनर से इसको ब्लैक कर रही है। अभी आया था मैंने नीचे बैठने के लिए, तो लिया मैंने। तो मेरे को तो बुला लेते, मैं भी खाऊं। बड़ा खा जा। मैं खा लूं, मैं ना फिर आती हूं आपके लिए। तो मैंने ना पोल कराया था कि मुझे कौन सा लुक रिक्रिएट करना चाहिए। एक तो था जालिमा और दूसरा था परम सुंदरी। ऑब्वियसली जालिमा को ज़्यादा वोट आए थे, लेकिन वो वीडियो रिक्रिएट होने के बाद में ना काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि परम सुंदरी का भी वीडियो रिक्रिएट करो। सो आपने कहा है तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, आपको पता है आज मेरा मेकअप कौन करने वाला है? मेरा लास्ट वीडियो नहीं था प्रोफेशनल फोटोशूट वाला, उसमें मेरा मेकअप प्रेरणा दी ने किया था ना, वही मेरा मेकअप करने वाली है आज। तो प्रेरणा दी थोड़ी देर में आने वाली है, तो हम मैं उसी का वेट कर रही हूँ। लड़कियाँ कितने बजे आने वाली है? देखो क्या करने का है। अरे पर बोल तो सही, कितने बजे आने वाली है? क्या करने का है? मेरे को कुछ नहीं करने का है, वो पूछने का है कि क्या है। क्या है मतलब क्या है? मेकअप करने आने वाली है वो। लड़के आने के बाद क्या करेगा तू? तो आज मैं कह रही हूँ परम सुंदरी का लुक रिक्रिएट। आओ फिर मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ। सो ये रहा ऊपर का टॉप जो कीर्ति सेनन ने पहना है। हमेशा की तरह इस बार भी हमारी सिटी में ऐसे मैचिंग मिल नहीं पाया, लेकिन सबसे परफेक्ट हमको यही लगा। जो डांडिया के आउटफिट नहीं होते, हम वो वाली शॉप पे भी गए लेकिन वहाँ पे भी कुछ मिल नहीं पाया। सो ये है, इसमें भी हम है ना कीर्ति सेनन का लुक रिक्रिएट कर ही लेंगे। और ये रहा इसके ऊपर का स्कर्ट, स्कर्ट बहुत हैवी है। सो नेक्स्ट है ये सिल्वर कलर की चूड़ियाँ और ये नोज रिंग दिख रही है और ये एयरिंग। सो नेक्स्ट है ये पायल, पायल मैचिंग मिल नहीं पाए तो मैंने ये लाए, ये मतलब थोड़े से मैचिंग लग रहे हैं। और हाँ, अभी थोड़ी देर में श्रेया दी और प्रेरणा दी आने वाली है, उसके बाद में हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कीर्ति सेनन का परम सुंदरी वाला लुक रिक्रिएट करने के लिए। क्या आप भी एक्साइटेड हो? जल्दी से वीडियो को लाइक करो। तो नहीं 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 वो इसका भी टेस्ट बहुत गंदा है। टेस्ट आया उसका। सो अभी प्रेरणा दी मॉइस्चराइजर लगा रही है। दी क्या कर रहे हो? उसको शेप दे। ये कंसीलर यूज कर रहे हैं अभी आई बेस के लिए। प्रेरणा दी बोल रही है कि ऐसे छोटी डालेंगे और फिर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करेंगे तो उसके जैसा पूरा लुक आएगा। ठीक है चलो, छोटी डालने की फिर अभी देखो। तीन लोग यहाँ पे छोटी बना रहे हैं मेरी। अभी कुछ करने के लिए ऐसे मेहनत करना ही पड़ती ना। आई मेकअप अभी स्टार्ट हो रहा है। प्रेरणा दी फोटो लगाऊं वो लुक का? नहीं मुझे याद है। अच्छा देखो प्रोफेशनल मेकअप है वो। देख आईलाइनर नहीं लगाया ना, आई थिंक काजल लिया ना। स्मच किया आईलाइनर को भी। अब प्रेरणा दी काजल से क्या कर रही है? अभी इसे स्मच करेंगे हम काजल से। देख श्रेया दी आ गई है जिन्होंने ये ड्रेस डिजाइन किया है। फेस मेकअप स्टार्ट हो गया है। आई मेकअप इज डन। फाउंडेशन मिक्स कर।
रहा है। अब हिलाओ मत आप, ठीक है? दी बताओ क्या लगा रहे हो? अभी ब्लश लगा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है, लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अभी सिर्फ हेयर स्टाइल बाकी है और फिर हम जाएंगे शूट करने। प्रॉपर लुक हो गया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, मेरे से तो 100-200 गुना अच्छा है। सो ये दोनों मेरे बाल सभी कर्ल्स कर रहे हैं और मेरे को आईलाइनर लगाया इसलिए मैं शांत बैठी हूँ। ये देखो मम्मी कीर्ति सैनन के यहाँ पे जो बर्ड्स है ना वही हम लोग निकाल रहे हैं। सो दीदी ट्राई कर रहे हैं हम, ऐसे हमने अभी निकाल के देखा, सैंपल देख लो पहले उसके बाद में देखना कहाँ से था। लेफ्ट श्रेया दीदी ने ना पेन से स्केच किया और ये दीदी आईलाइनर से इसको ब्लैक कर रही है। वो बोल रही है चिड़िया का पेट थोड़ा सा बड़ा। सो अभी मेरा फाइनल लुक है ना जहाँ पे हम शूट करने के लिए जा रहे हैं ना वहीं पे आपको दिखाऊंगी। पापा को मना ही लिया और उठा के हम लेके जा ही रहे हैं पापा को हाईवे। देखो यार मतलब एक वीडियो के लिए कितने लोगों की मेहनत लग रही है, पीछे देख रहे हो आप प्रेरणा दी और श्रेया दी दोनों हमारे साथ आ रहे हैं और वो स्कूटी पे आ रहे हैं इतनी धूप में। सो आप सब लोगों को लगता होगा कि मैं घर पे शूट क्यों नहीं करती, हमारा घर है ना 2 ही रूम का है और इतना कोई खास नहीं है, आलीशान नहीं है, तो मैं घर पे शूट नहीं कर पाती हूँ। और हम जो हाईवे पे जाते हैं ना शूट करने के लिए वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चालू नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पे शूट करने के लिए जाते हैं और हमारे घर में ज़्यादा लाइट नहीं है। और जो हाईवे पे हम जाते हैं ना वहाँ पे एकदम पहाड़ है, नेचुरल लाइट है और व्यू भी एकदम बढ़िया आता है, इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं। देखो ये ट्रक पे क्या लिखा है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। और हाँ हम जिस हाईवे पे शूट करने के लिए जाते हैं ना वो अभी बंद है, उसका काम चल रहा है, आप टेंशन मत लो, हम अपनी सेफ्टी का और दूसरों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। ये देखो यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। तो देखो एक वीडियो के लिए कितने लोगों की मेहनत लगती है। सो क्या आप एक्साइटेड हो मेरा फाइनल लुक देखने के लिए? बाय द वे ये मेरा लुक नहीं, हम 5 लोगों की मेहनत भी है। आओ फिर मैं अपना लुक दिखाती हूँ। कैसे फोटो खिंचाना है ठीक है। ये ले।
आउटफिट कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ये आउटफिट है ना श्रेया दी ने डिजाइन किया। मैंने एक्चुअली आई एम फॉलोइंग माय पैशन, सो मैंने ये आउटफिट ट्राई किया है, तो आप ही बताओ आपको कैसा लगा। और हाँ, बाय द वे ये जो मैंने मेकअप कराया है ना, ये मेकअप है ना मेरे प्रेरणा दी ने कराया है, सो करते हो। आपको कैसा लग रहा है बताओ तो कमेंट में। मुझे मतलब दूसरों को रेडी करवाना बहुत पसंद है, मतलब अगर दूसरों को रेडी करवा के जब वो बोलते हैं ना यू मेड माय डे, हाँ, तो मतलब वो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अच्छा काम हुआ अपने से। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और एकदम मस्त करा है मेकअप। आप बताओ आपको कैसे लग रहा है। और हाँ, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और श्रेया दी की भी आउटफिट डिजाइनर जो है उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फॉलो करो यार, सबको सपोर्ट करना बनता है ना, है ना। किसके ऊपर का भी डांस कवर वाला वीडियो अपलोड करो, ठीक है। हमारा पैकअप हो गया। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, हम सब ने बहुत मेहनत की है।